तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। बोले जय बोले। क्या आप अगर केदारनाथ मंदिर को दर्शन कर लिए और आप अब बाहर खड़े हैं तो क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, शुरू से शुरू कर दे शुरू मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 लैंग्वेजेस हैं बेसिकली फ्रॉम सेम ओरिजिन, ये लिखा है सारे के सारे उपदेश हैं बुद्धिज्म के। और पीछे जो है आपको दिखा हुआ फॉरेस्ट है और इधर ये पूरा पार्क टाइप है, लोग बैठे हैं किनारे किनारे और अपना पीस को फील कर रहे हैं और हम वो जो फील कर रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। शाबाश बेटा, भाई बड़ी विकराल है बे, कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 फीट का है ये। तो गाइस दिस इज थुक्पा, 2 चम्मच यूज कर रहे हैं इसको, यूज कर रहे हैं ये खाने के लिए और इसको यूज कर रहे हैं ये पीने के लिए। क्या जिंदगी हो चुकी है भाई साहब ये। कुछ भी हमने आज खाया, क्या था? थुक्पा भाई, थुक गया हमारा पैसा। नहीं बेसिकली सूप था उसमें मैंने नूडल डाल दिया था। क्या बोला तूने? कैसे सर्विस का? 2 ग्लास कर दो सर आप। गेम चल रहा है भाई तगड़ा वाला, ये देखिए हमारा शॉट। तो नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम। मेरे पास अभी आ गया, अभी मैं कैसे नाऊंगा, चलो मेरे तमिल लेके मार दिया। देख रहे हैं दोस्तों, तो ये होता है जब आपको एक होटल रूम मिले और 3 लोग पैदल ही एंजॉय करें। टाइम हो चला है 7:45 और हम पहुंच चुके हैं होटल रूम। अब बस यहाँ से हमें तैयार होना है और हमें निकलना है, तो अब आपको मिलते हैं तैयार होने के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली वी आर रेडी विद आवर आउटफिट और फाइनली वी आर हियर इन द वेडिंग ऑफ मीनाक्षी। ओ भाई साहब, और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए भाई साहब। घमंड नहीं किया कभी? कभी घमंड नहीं किया भाई साहब, कभी घमंड नहीं किया ना करेंगे। क्यों खड़े हैं ये? तो गाइस देखिए, ये लौंडा है इसने आज हमें उत्पीड़ित किया है सिर्फ फोटो खिंचवा खिंचवा करके। सिर्फ फोटो खिंचवा खिंचवा करके ये कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है, अभी क्या कह रहे जल्दी बता। सुन मेरी खींच लो यार भाई, एक फोटो खींच ले भाई, मैं बहुत गरीब हूँ भाई। कैसा लगा डालेंगे यार बता, थोड़ा इमोशनल बातें कर लेते हैं। अबे रुक जा, यहाँ बैठ जा, इमोशनल बातें करनी है यार। अबे बात करनी है, बोला नहीं। नहीं अच्छा था और गजब, सबसे अच्छा एम्बियंस था, जगह जगह फोटो खींचने की जगह है भाई, अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी, ड्रिंक्स ना खतरनाक, बहुत ही अच्छा। तो प्लेस इज अमेजिंग, मतलब गदर था। तो आज जो 1024 फोटो इसने खींची है भाई साहब, ये अभी सब इसको, ये भाई साहब अलग लेवल भाई, अलग ALAG लेवल। तो नमस्कार दोस्तों, आज की दिन की शुरुआत होती है हमारे उठने से और हम निकल रहे हैं आज ऋषिकेश धानी के यहाँ। दिस इज आवर होटल फॉर यस्टरडे। मत दिखा ओयो। हाँ वैसे ही ओयो देख के आप कुछ गलत समझे, हम 3 नौजवान युवक थे, समझ रहे हो? सी गाइस हाउ हेल्थ कॉन्शियस वी आर। तो ये है परशुराम चौक और हम पहुंच चुके हैं अब ऋषिकेश। अरे भाई साहब, ये देख भाई जाले उड़ रहे हैं भाई इधर, ये देख। दिस हैपेंस व्हेन यू आर नॉट एट होम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अनबॉक्सिंग करते हुए तो हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट, ऐसे टहलते हुए आगे पीछे दिख रहा होगा आपको गंगा जी। क्या हो गया? हाँ? ये नमक तो बहुत है। इतना बहुत है? हाँ बहुत है। नमक दे, तू ले क्या उसको? ये डस्टबिन है ना? ला। चलिए भाई, तो हमें नमक मिल गया है और इनका ट्रीटमेंट देखते हैं भाई साहब। भाई साहब
अलग लेवल है भाई ये तो कीड़े। रनिंग, अरे भाई वो नहीं दिखा क्या तू? अरे भाई हमारे सबसे बेहतरीन चाय वाले एमबीए चाय वाले क्या है, चाय सुट्टा बार क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये हमारे हैं विकास जी जो चाय नहीं जो गरम गरम। फाइनली आप लोगों की फरमाइश पे विकास डार्लिंग बना रहे हैं चाय, और चाय नापने का तरीका देख रहे हैं इनका। तीन कप चाय बोला गया, तीन कप दूध में निकाल दिया। अब मैं मान ली तुझे बोला था 10 कप। तो नमस्कार दोस्तों, आज हो गया नेक्स्ट डे और हम उठ चुके हैं, और उठ के करीब कितना बज चुका है, 11:30 बज चुका है। धनी इज ऑन कॉल इन मीटिंग और हम आ चुके हैं कुछ नाश्ता तैयार करने के लिए। नाश्ते में विकास बना रहा है मैगी और मैं बना रहा हूँ एक खूबसूरत सी चाय। ओ भाई, अब मैगी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ चुका है क्योंकि बाकी दोनों की मीटिंग्स चल रही हैं। और हम जा रहे हैं आज कुछ सामान लेने क्योंकि हमें कल शाम को निकलना है केदारनाथ के लिए, और आज हम दिन भर वर्क फ्रॉम होम किए भाई साहब। अब हम निकलते हैं कुछ सामान लेने जैसे कि ग्लूकोन डी और ट्रैकिंग के टाइम पे कुछ फूड्स एंड ऑल, और जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे जूते वगैरह, तो ये सब चीज़ें लेनी है। ये रहा योग नगरी ऋषिकेश का स्टेशन, ये पूरा स्टेशन है भाई, अभी इतना बड़ा बना रखा है यार इन्होंने, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ सर, और सर कोकोनट ऑयल होगा छोटा दे दो वो भी। भैया भैया बढ़िया, मैं शॉपिंग कर ली। फाइनली वी आर ऑल सेट टू गो टू केदारनाथ, तो हम अब केदारनाथ निकल रहे हैं। ट्रैकिंग बैग ले लिया है भाई साहब, बहुत सामान हो गया है। सोचा नहीं था इतना सामान लेके जाएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, एंड देन रुद्रप्रयाग से हम जाएंगे केदारनाथ। तो आज रुद्रप्रयाग में रुकेंगे, कल सुबह हम करीब 5-6 बजे निकलेंगे वहाँ से केदारनाथ। तो हम फाइनली पहुँच चुके थे बस स्टैंड, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया, हमने सोचा कि जिप्सी ले लेते हैं। तो यहाँ से हम जिप्सी पकड़ रहे हैं, 2300 में 5 लोग पूरा रिजर्व कर रखा है। पहाड़ों पे पुकारो ना, दिल भी खुश मिजाज है, ये रास्ते अनजान, जो के हवा के मुझसे करने आते बातें, वादियों से रोशनी निकलती होती शाम। 10-12 किलोमीटर भी देता है, लेकिन हम यहाँ रुक चुके हैं, हमें चाय और पराठा खाना, भूख लगी बहुत। 10 मिनट की सीट रुकी भाई साहब, चलते खाते हैं, अंदर आपसे मिलता है देवप्रयाग में अगर रुके तो। भाई लो ये देखिए ये होटल, एंड यहाँ देखिए भाई साहब, तो इसके थोड़ा सा 12 किलोमीटर दूर पे ही है देवप्रयाग भाई साहब, जहाँ पे मिलती है गंगा। गाइस फाइनली वी आर हियर इन देवप्रयाग, बहुत मजा आ रहा है गाइस। ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा, तो अलकनंदा के पानी की वजह से ये पूरा रंग जो है गंगा नदी का वो काला हो चुका है भाई साहब। ये जो है ना ये विश्वविद्यालय है वो, हाँ ये पूरा विश्व, ये संस्कृत विश्वविद्यालय भाई साहब, ये टावर, हाँ ये जो टावर है यहाँ का घंटाघर है, ठीक है, वो रहा मेरा स्कूल। और ये रहा धानी का स्कूल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, और अब जा रहे हैं धानी के भैया यहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं, एंड देन कल सुबह 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। सुबह हो चुकी है और ये देखो भाई कहाँ रुके थे हम लोग। ओ भाई 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 भाई, रात में दिखाई नहीं था यार ये। तो गाइस फाइनली हमारा टीकाकरण भी हो चुका है, हम निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा के। केदारनाथ बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। ये भैया ने मस्त हिसाब कर दिया यार। गुड मॉर्निंग भैया यार। मॉर्निंग भैया। तो गाइस गाइस हम गाड़ी में बैठ गए, तो हम क्या एंजॉय कर रहे हैं। वैसे कितना दूर है सोनप्रयाग भैया? सोनप्रयाग होगा भाई साहब यहां से तकरीबन 25-30 किलोमीटर होगा। 25-30 किलोमीटर ही बचे हैं। और ये देखिए तो अभी हम आए हैं नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करते हैं, एंड देन यहां से निकलते हैं फिर सोनप्रयाग, एंड देन वहां से ट्रैकिंग करते हैं भाई साहब। अपने उस्ताद जी हैं और ये हमारे उस्ताद जी हैं। यहां पे हम रुके हैं नाश्ता के लिए, और भाई ये भाई खूबसूरत है यार, अलग है भाई अलग। गाइस ये जा रहा है हेलीकॉप्टर, गाइस हम उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर देख रहे, तो क्या एंजॉय कर रहे हैं नहीं। अरे भाई साहब क्या बेहतरीन यार, वाओ जैसे ये मान ले प्लेन है, तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं सोनप्रयाग, और अब निकल रहे हैं हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए। यहाँ से हमें शटल, क्या मिलती है? शटल सर्विस है, 50 रुपए पर पर्सन। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तो दोस्तों ये थी ब्रिज जिसको हमने क्रॉस किया, और यहाँ पे मिलती है एक्स वाले जो जीप होते हैं वो है, और इसको पकड़ के हम पहुँचेंगे गौरीकुंड। तो दोस्तों फाइनली वी आर हियर इन गौरीकुंड, और यहाँ से हमारा है अब 16 किलोमीटर का ट्रैक। तो थोड़ा सा ये हाथ लाल हो गए हैं क्योंकि ये डंडे पे लाल रंग का कुछ लगा हुआ था पकड़ना। और भाई साहब ये देखिए भाई अलग लेवल जाम है भाई लोग,
ये है बोर्ड, यहाँ से पैदल वाला ट्रैक स्टार्ट है, पर हम पहले उतर गए थोड़ा। गाइस मैं केदारनाथ का ट्रैक कर रहा हूँ गाइस, तो क्या मैं इंजॉय कर रहा हूँ गाइस? गाइस क्या क्या करना पड़ता है लेके ट्रैक चढ़ने पड़ता है बस। अभी तो मतलब मेन काइंड ऑफ रोड ही है, ये आराम से चलते हैं। और ये भैया किसी को छोड़ के आए होंगे तो हाँ थक गए होंगे, करेक्ट। बारिश बहुत तेज होने लगी भाई, लेकिन हाँ हम लोग के पास रेनकोट नहीं है, एक गलती हो गई है। तो आगे देखते हैं, अगर रेनकोट मिलता है तो बढ़िया है, अदरवाइज कहीं आगे जाके हमें रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और हम सच में बहुत थक चुके हैं। बोले बोले नाथ जी, मंजिल मिली है कुछ कुछ, ढूंढ रहा हूँ कि केदारनाथ जी, मंजिल मिली है कुछ कुछ ढूंढ रहा हूँ, आप समा जाओ, मैं आंखें मूंद रहा हूँ।